बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद श्याम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 जो है वो अपना, और चैप्टर 8 जो है वो उसको वाइंड अप कर लिया है। उसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड उसी की हैं, लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास टाइम भी है, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जो 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मैंने चैप्टर नंबर 9 जो है वो सिलेक्ट किया है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि क्योंकि 9th क्लास में उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, पूरा एक चैप्टर तकरीबन उसी के ऊपर है, तो इसलिए जो है वो मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट की है। बाकी रही एक्सरसाइजेस की बात, तो एक्सरसाइज जो हैं वो हम जो है वो बाद में जो है इंशाल्लाह उसको करेंगे। तो लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें, जो असेसमेंट आपको मिलती है वो सिर्फ आप लोगों ने जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को जो है वो थ्योरी से ही आते हैं, तो मुश्किल बातें नहीं होती। इसलिए अगर आप उसको गौर से सुनें तो आपको जो है वो इजीली जो है आप उसको एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं। कंटेंट्स जो है कुछ इस तरह से है आपके पास कि ही इफेक्ट्स ऑफ हीट की बात करेंगे और सोर्सेज की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हीट की हम बात करें तो हीट बेसिकली जो है वो एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक जो दो सब्सटेंसेस के दरमियान में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अगर या आपने पढ़ा भी होगा और एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि टेम्परेचर हमेशा जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है, तो इसलिए जब दो बॉडीज़ के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है तो हीट जो है वो क्या होती है, हम कहते हैं ट्रांसफ़र होगी। ऐसे समझ लें कि लेट्स सपोज करें, एक एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ, एक लोहे का रॉड ले लें या चम्मच वगैरह ले लें, उसको चूल्हे के ऊपर अगर रखें तो जिस एंड से आप लोगों ने उसको पकड़ा होगा वो ठंडा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सम टाइम्स के बाद आप देखेंगे कि वो जो है वो टोटली गर्म हो चुका होगा, तो हम कहेंगे जो हीट है वो क्या होगी है, ट्रांसफ़र होगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट की बात करें तो हीट के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि बॉडीज़ जो बॉडीज़ को गर्म वगैरह, जब आपको पता है सर्दियाँ होती हैं तो बॉडी को जो है हम कहते हैं कि वो सर्दियों में हम आग के आगे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, क्योंकि बॉडी को वार्म करने के लिए बैठते हैं। उसके बाद जो है ये जो हीट होती है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में या क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप देखें गर्मियां हैं तो गर्मियों में ज़मीन का टेम्परेचर देख लें कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक जो है वो छत पे चले जाएँ, उसका फर्श सुबह सुबह देखें ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे धूप आती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है हीट क्या कर रही है, उसको इन्वायरमेंट को वार्म अप कर रही है। उसके बाद इसका एक इफ़ेक्ट ये है कि जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ वगैरह होती है वो मेल्ट होती है हीट की वजह से। एक इसका बहुत बड़ा यूज़ है कि हम इसको क्या करते हैं, हीट को इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सोर्सेज की बात करें तो हीट का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन होता है, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि हीट जो है वो सन से रेडिएशन से हम तक पहुंचती है, और यही रेडिएशन जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, वार्म अप करती हैं। उसके बाद जो है इसका सोर्स जो है वो फूड होता है, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आपने जो है इसको ऑब्ज़र्व किया होगा
कि जैसे हम खाना खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी से वो जो है वो क्या होता है कि जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं ये बॉडी क्या कर रही है, गर्म हो रही है। ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक जो है वो ब्रेक होती है, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद जो है ये जो खुराक टूटती है ये बॉडी का पार्ट बनता है, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इस वजह से जो है ये ज़िंदा रहने के लिए जो है हमें हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो है बर्निंग से भी बहुत ज़्यादा हीट आती है। जैसे सपोज करें लकड़ी को जलाएं तो हीट मिलता है, ऑयल को जलाएं तो हीट आता है, उसके बाद गैस वगैरह ये सब हीट की जो है वो सोर्सेज हैं। उसके बाद अगर गर्म जो रूम्स को गर्म करना हो, जैसे सर्दियों में आप लोग हीटर लगा लेते हैं, कमरा गर्म हो जाता है। उसके बाद जो है ये अगर जो है वो फिर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि खुराक बनानी है तो वो भी हीट की ज़रूरत पड़ती है। एक सबसे लास्ट पॉइंट देखें, ये बहुत बड़ा इसका यूज़ है कि हीट जो है अगर आप कोयले को या ऑयल को हम गर्म करते हैं जो उसको जलाते हैं, तो ये जो थर्मल पावर होते हैं जहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये कुछ इसके सोर्सेज थे जिसमें बर्निंग था, सन था, उसके बाद जो है फूड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हीट, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। मैंने हेडिंग आपको बना दी है और 7 पॉइंट्स बना देंगे, आप लोगों ने यही पॉइंट जो है उसको लिख के बता देना है। तो एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, दूसरा इजीली आपसे क्वेश्चन तैयार हो जाएगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा।